फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में ड्रिल मशीन का कम्प्लीटली फिटिंग बताऊंगा, कैसे फिटिंग किया जाता है, सारा प्रॉब्लम बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख रहे हो, पूरा विदाउट स्किप में देख रहे हो, तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है ड्रिल मशीन के ऊपर, कहीं पर भी अब प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी देता हूँ। तो उससे पहले चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे ये चैनल को, और फ्यूचर में पावर टूल्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या फिर अनबॉक्सिंग करने के लिए, अनबॉक्सिंग भी होता है मेरा ये चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप जल्दी फटाफट सब्सक्राइब के बटन प्रेस कर लो। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैं बताया था ये मशीन को कैसे खोला जाता है, कैसे उसको रिपेयर किया जाता है। उसमें एक दिक्कत था, फील करके सोल्डिंग किया हूँ मैंने। तो उससे पहले आपको ये फिटिंग करने से पहले आपको एक हाउसिंग चूज करना है, कहाँ पे हम उसका कॉइल फिटिंग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये होल है, स्विच का होल है, फिर इसके कवर भी नीचे दिया गया है कार्बन को, यहाँ पर भी ये स्विच एलिमेंट लगता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कॉइल फिटिंग करेंगे, ये है उसका कॉइल को ऐसे रख लेंगे। उसके बाद ब्रॉस होल्डर या फिर कार्बन होल्डर, उसको फिटिंग करेंगे। कैसे फिटिंग किया जाता है वो भी दिखाऊंगा, यहाँ पे भी दिक्कत होता है ज़्यादातर। ये ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप उसको भी खोल सकते हो, उसके अंदर भी चेक कर सकते हो, ये ख़राब नहीं है, ये ख़राब है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सब सोल्यूशन है। यहाँ पे ओनली आपको फिटिंग करके बताऊंगा, उसको भी आप खोल सकते हो। जैसे कि आप फिटिंग कर रहे हो तो ऐसे खोल भी सकते हो। तो यहाँ पे ये होल है, तो दोनों होल में एक है यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे और एक है उसका अपोजिट साइड में, ये कहीं पर भी आप दोनों जो यहाँ पे देखिए ये लग गया, कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। फिर उसके यहाँ पे दोनों घाटी रहता है, उसका अपोजिट साइड में दोनों साइड में घाटी रहता है, ये ऐसे रह जाएगा। फिर हम उसको घुमाएंगे, ये लेफ्ट साइड में घूम जाते हैं, अगर राइट साइड में आप घुमा नहीं सकते हो, घुमाओगे तो ये नहीं फिटिंग होगा। तो इसलिए देखिए ये नहीं फिटिंग हो रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में ही रहेगा। तो फिर हम उसमें कार्बन में जो लगता है कार्बन स्प्रिंग, उसको फिटिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये छोटा सा है और ये टेढ़ा हुआ है, तो छोटा वाला नीचे रहेगा। नीचे आपको एक स्टॉड वगैरह रह जाएगा, उसमें फिटिंग करने पर हम थोड़ा ऊपर से थोड़ा एंगल करके घुमा लेंगे, घुमा के उसको ऐसे टाइप का छोड़ लेंगे, तो ये बिल्कुल फिटिंग हो गया है। दूसरा में इधर भी लगता है, तो इसको भी हम फिटिंग कर लेंगे। बस ऐसे हम उसमें लगा लेंगे, फिर उसको घुमा लेंगे थोड़ा ऊपर टेढ़ा करके, तो ये भी फिटिंग हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमको कार्बन लगाना है, क्योंकि फिटिंग करने के बाद, आर्मेचर फिटिंग करने के बाद आप कार्बन लगा नहीं सकते हो, क्योंकि वो दिक्कत होगा। लगा सकते हो लेकिन बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा 50 यहाँ पे स्प्रिंग को हटा के स्प्रिंग को जाम करके रख लीजिए, फिर आपको पिन जब लगाओगे तो थोड़ा टच करने के बाद वो अंदर चला जाएगा। ये देखिए ऐसा ही रहेगा, फुल कंप्लीट नहीं, अंदर नहीं घुसना है, बस 50% घुसा के छोड़ दीजिए। ब्रश होल्डर से बाहर नहीं निकलना चाहिए कार्बन। तो यहाँ पे देखिए ये जो लीवर होता है, तो इसको हम घुमाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो तार हुआ निकला है, तो इस तरफ हम उसका लगाएंगे। लीवर लगाने के बाद थोड़ा अंदर घुसाएंगे थोड़े, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टार्ट दिखेगा, कि जैसे कि ये फिटिंग हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा घुमाएंगे, घूम रहा है या नहीं रहा है, घूम रहा है देखेंगे। तो ये बिल्कुल भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम उसको लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे फिल कॉइल में, ये बिल्कुल भी परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है। तो ये फिटिंग हो चुका है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जितना भी फिटिंग हुआ है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे प्रॉब्लम है या बिल्कुल भी परफेक्टली फिटिंग हुआ है। तो इसलिए हमको एक, आपको अगर फिटिंग करना है, चेक करना है, तो आपको एक कंटिन्यूटी टेस्टर चाहिए, मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सीरीज बोर्ड में चेक करूँगा, आपके पास भी सीरीज बोर्ड होगा। तो सीरीज बोर्ड में ऐसे देखिए, तो अभी देखिए नीचे वाला रेड में कनेक्ट हुआ है, तो अभी वाइट में ऊपर कनेक्ट होगा। तो फिर यहाँ पर घुमा लूँगा थोड़ा, ये रिवर्स हो गया। तो अभी देखिए नीचे वाला रेड में काम कर रहा था, लेकिन अभी वाइट में काम करेगा, मतलब कनेक्ट हुआ है। अभी ये ऊपर वाला रेड में कनेक्ट हुआ है, तो इस यहाँ पे बिल्कुल सही फिटिंग हो चुका है। तो अभी हम उसको मटर हाउसिंग या फिर नीचे वाला हाउसिंग में लगा लेंगे। अभी उसमें क्या करेंगे, आर्मेचर में दो ठो बेरिंग लगता है,
ये दोस्तों बैरिंग का नंबर 608 दोनों का है, ऊपर में 608 लगता है, नीचे भी 608 लगेगा। बैरिंग के ऊपर अगर आपको एक पूरा कम्प्लीटली वीडियो चाहिए, जितने भी पावर टूल्स में बैरिंग लगता है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। ऊपर में 608 का बैरिंग लगा लूँगा। अगर आपके पास हाइड्रोलिक जैक है तो यहाँ पे भी आप बैरिंग बैठा सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ चीज़ है, मैं यहाँ पे फिटिंग कर सकता हूँ ऐसे फिट के, थोड़ा सा भी टाल नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पे नीचे भी 608 का बैरिंग लगता है, दोनों में 608 का ही बैरिंग लगेगा। दोस्तों चैनल के में जाएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि यार भाई चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए, अच्छा रहेगा। दोस्तों पावर टूल्स में जितने भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, जितने भी स्पेयर पार्ट्स, अगर आपके मशीन में कुछ चीज़ ख़राब हुआ है, अगर आप साइड में देगा नंबर से कॉन्टैक्ट करोगे, व्हाट्सएप करोगे, तो आपके एरिया में पार्सल में कर सकता हूँ। बहुत एरिया में मेरा स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा है, और उसके भी मैं आपको साइड में दे दूँगा अनबॉक्सिंग वीडियो, सॉरी आपको वो पैकिंग कैसे होता है, जाता है किसे, वो सारा चीज़ एक कम्प्लीटली वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें भी लिंक दे दूंगा, एंडिंग में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे फिटिंग हो चुका है, यहाँ पे देखिए गियर के साथ में एक बॉल लगता है, ये निकल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मशीन में ये नहीं भी निकल लगता है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगता है, बाद में लगाएंगे, अभी ये साफ्ट में स्पिंडल में लगता है ये बूस्ट, तो बूस्ट में हम लगाएंगे ग्रीस। तो दोस्तों ये आइडियल का ग्रीस है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वालिटी का है, लोकल भी ग्रीस है, यहाँ पे लोकल का ग्रीस देखिए, बहुत लोगों ने कमेंट करते हैं ग्रीस में कोई भी फ़र्क नहीं है, देखिए ये यहाँ पे मेरे पास जो ये लोकल ग्रीस है तो सस्ता ग्रीस है, लेकिन ये मेरे पास जो ये ग्रीस है वो बहुत हाई क्वालिटी का ग्रीस है। अगर आपको ये चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं भी पार्सल कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ, अच्छा क्वालिटी का ग्रीस है, अगर आप लगाओगे तो आपका मशीन ब्लास्टिंग करेगा, ज़रूर करेगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ग्रीस लगाने के बाद हम उसमें बूस्ट लगा लेते हैं, बूस्ट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे होने वाला है। तो दोस्तों इसका मॉडल नंबर है GSB501, तो इसलिए यहाँ पे 13mm का मशीन है, तो 13mm का चक लगाएंगे, चक लगाने के बाद थोड़ा टाइट करेंगे, मैं थोड़ा साइड में जो बाइस थे उसमें टाइट कर लेता हूँ, कैमरा घुमा नहीं सकता हूँ क्योंकि बूस्ट से फिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइट कर सकते हो बाइस में लगा के, ये टाइट हो चुका है, बिल्कुल भी परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका आपके मशीन में दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर उसका सलूशन भी दे सकता हूं मैं आपको, या फिर कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, मेरा नीचे वाला आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये साउंड हो रहा है, ये हमरिंग का साउंड हो रहा है, क्योंकि ये जो घाटी रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो घाटी रहता है ये घाटी में ही हमरिंग कर रहा है, अगर आपके मशीन में हमरिंग नहीं हो रहा है, ये घाटी ख़राब होने से भी हमरिंग नहीं हो सकता है, या फिर बॉल्ब नहीं होने से भी हमें हमरिंग नहीं हो सकता है, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो बैरिंग ब्रैकेट में ये देखिए थोड़ा भी टाल नहीं है, बस थोड़ा, तो बस ये थोड़ा इधर उधर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मशीन में ज़्यादा टाल हो रहा है तो उसमें बैरिंग ब्रैकेट ख़राब है, तो बैरिंग ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा फिक्स करना आपके लिए थोड़ा दिक्कत का काम हो सकता है, थोड़ा अच्छा से फिक्स फिटिंग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिटिंग हो चुका है, अभी थोड़ा उसको लीवर को उसके जगह में रखेंगे, फिर उसके पीछे आपको नीचे दो केबल देगा, वो बहुत ही मोटा है, उसको उसका जगह में बैठना चाहिए, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये लगभग यहाँ पे थोड़ा भी और भी है, थोड़ा उसको साइज कर लेते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका इधर उधर हो जाएगा वहाँ पे आपका ड्रिल मशीन परफेक्टली फिटिंग नहीं होगा, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। लीवर को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कार्बन हम लगाए थे उसको पुश करने वाला हूँ, थोड़ा चेक भी कर लेता हूँ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हम कार्बन को लगाएंगे, कार्बन को बस ऐसे टच करना है, थोड़ा प्रेस करोगे तो अंदर चला जाएगा, वो फिटिंग हो जाएगा स्ट्रिंग के साथ। अभी दोस्तों थोड़ा नीचे थोड़ा ऐसे पीटेंगे तो आसानी से वो फिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत आसानी से फिटिंग हो चुका है, परफेक्टली काम कर रहा है, अभी हम थोड़ा चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर यूज कर सकते हो, या फिर ये आप सीरीज बोर्ड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल सही फिटिंग हुआ है,
तो अभी हम उसमें स्विच लगाएंगे, ओरिजिनल स्विच है ये, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्विच में कोई दिक्कत नहीं। अभी हम उसको फिटिंग करेंगे। वाइट वाला लेफ्ट में लग जाएगा, बड़ा वाला रहता है, सॉरी रेड वाला लेफ्ट में लगेगा, छोटा वाला वाइट रहता है तो इसलिए राइट में लगेगा। अभी उसका केबल फिटिंग करेंगे। केबल फिटिंग करना बहुत आसान है, बस उसमें ये उसका कवर लगा लेंगे, फिर उसका जो पिन रहता है बस उसको पुश करना है, ओनली पुश करना है, फिर ये निकलेगा नहीं। तो बहुत लोगों ने, मैं दिखाऊँ, बहुत मशीन मेरे पास आता है उसको निकाल नहीं सकते हैं। क्या करते हैं, वो काट के केबल चेंज कर लेते हैं। केबल कनेक्ट मतलब केबल खराब होने बाद ये देखिए, ये पुश करने के बाद ये निकल नहीं था। तो इसलिए दिक्कत क्या है, कैसे निकलोगे आप इसको देखिए, ये वाइट वाला रहता है ना, उसको थोड़ा पुश करोगे ऊपर तो आसानी से ये निकल जाएगा। तो ये देखिए, तो ऊपर से पुश करने से ये निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। शायद यहाँ पे सारा चीज़ फिटिंग कर लेता हूँ। चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे उसका ऊपर में जो स्विच एलिमेंट होता है उसको लगा लेंगे, फिर उसमें थोड़ा ग्रीस लेके देंगे, उसमें आइडियल का ग्रीस, अच्छा क्वालिटी का ग्रीस है, चाहिए तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी स्पेयर्स की ज़रूरत है आपको तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, आपके एरिया में पार्सल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी दोस्तों ऊपर वाला कवर लगा के थोड़ा पीट लेते हैं, आसानी से बैठ जाएगा परफेक्टली। यहाँ पे जितने भी स्क्रू है टाइट कर लेते हैं। चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कीजिए। जब मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो इसलिए आपको बेल आइकन की भी प्रेस करना, ऑल पर प्रेस करना चाहिए। तो बिल्कुल भी परफेक्टली फिटिंग हो चुका है। थैंक यू।